हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटिफिक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, हम लोग सीख रहे हैं वर्ल्ड 2016 और हम लोगों का चल रहा है बेसिक सीरीज, और बेसिक सीरीज के अंतर्गत ही हम लोग सीख रहे हैं तमाम टाइप्स के बारे में। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं होम टाइप्स से फॉन्ट ब्लॉक्स के बारे में, उसके अंदर आने वाले सभी कमांड्स के बारे में हम लोग जानेंगे और टाइपिंग से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। तो इसे प्रॉपर समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग वर्ड 2016 पर और समझते हैं फॉन्ट ब्लॉक के सभी कमांड्स के बारे में। तो दोस्तों, ये रहा वर्ड 2016 और आप ये देख पा रहे हैं यहां पर ये रहा होम टैब, और होम टैब के अंदर आने वाला ये रहा आपका फॉन्ट ब्लॉक। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हम लोग क्लिपबोर्ड के बारे में समझ चुके हैं। तो यहां पर कुछ टेक्स्ट मैं पहले से ही लेकर के आया हुआ हूं, और बाकी जो है पहले हम टाइपिंग के कुछ ऑप्शंस को समझ लेते हैं, उसके बाद हम फॉन्ट को समझते हैं। तो टाइपिंग बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए अगर इन सभी टेक्स्ट को हम नीचे लेकर के आना चाहते हैं, एक्चुअली इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जब हम नए होते हैं, तो छोटे छोटे ऑप्शंस हम लोगों को प्रॉब्लम करती है, तो इन सभी के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए इन सभी के बीच में या फिर इस लाइन के बीच में हम कोई भी लाइन ऐड करना चाहते हैं या हम इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, तभी कर्सर को अगर हम ऊपर ले जाना चाहेंगे तो नहीं जाएगा, और अगर हमें ऊपर लिखना ही है कुछ भी तो हमें ये सारे के सारे टेक्स्ट को नीचे लेकर के आना पड़ेगा। तो नीचे लेकर के आने के लिए आप स्टार्टिंग में जिस भी लाइन के सामने, जिस भी लाइन के आगे कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा होगा, वहां पर जाने के बाद अगर आप इंटर प्रेस करते हैं तो पूरी की पूरी नीचे वाली लाइन को लेकर के वो जो है नीचे जाएगा। उसके बाद ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब कर्सर को ऊपर ले जाने के लिए आप एरो का अप वाला एरो जो है इस तरीके से आप ऊपर लेकर के जाएंगे, तो वहां पर ये जो है एरो आपको मिलेगा, और वहां पर आप कुछ भी टाइप करना चाहें तो आप टाइप कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं फिर दोबारा से सारे के सारे टेक्स्ट को ऊपर लेकर के आना, तो आप फिर दोबारा से नीचे जाएंगे। अगर एक पॉइंट आप नीचे आए हुए हैं और बैक स्पेस दबाएंगे तो एक लाइन ऊपर जाएगा, उसके बाद बैक स्पेस कितना भी दबाएंगे ये लाइन जो है ऊपर जाने वाली नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, एरो की को नीचे लाना होगा, यानी कि कर्सर को नीचे लेकर के आना होगा एरो की के माध्यम से, और फिर आपको बैक प्रेस करना होगा। तो इस तरीके से जो है आप लेकर के चले जाएंगे ऊपर लाइन को। मान लीजिए इसके नीचे लिखना है तो लोग क्या करते हैं, यहां पर मान लीजिए कर्सर को लेकर के आ जाते हैं, उसके बाद एरो से नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो आप एरो से, अगर आप एरो प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो नीचे नहीं जाएगा ये कर्सर। नीचे ले जाने के लिए आपको इंटर की प्रेस करना होगा इस तरीके से। मान लीजिए आप दो तीन बार जो है इंटर प्रेस करके आप नीचे आ गए, और उसके बाद मान लीजिए जहां तक आप नीचे इंटर से आ गए हैं, अब उसके बाद अगर ऊपर नीचे अगर आपको वो कर्सर करना है तो आप एरो से कर सकते हैं, लेकिन जहां तक आप इंटर किए हुए हैं वहीं तक एरो से आप नीचे आ सकते हैं, उसके नीचे और जाने के लिए आपको दोबारा से इंटर प्रेस करना होगा इस तरीके से। उसके बाद जो है एरो आपका काम करेगा इस तरीके से, जहां पर भी आपको टाइप करना है वहां पर एरो ले जा करके आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये जो नीचे एरो से आ रहा है ये भी ना आए, तो आपको फिर दोबारा से बैक स्पेस प्रेस करना होगा इस तरीके से, तो जो है बिल्कुल भी बैक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इंटर करने के बाद जो है आप कोई भी टाइप कर सकते हैं। तो ये तो रहा प्लेस जहां पर आप टाइप करना चाहते हैं। मान लीजिए यहां पर टाइप करते हैं, और उसके बाद जो है हम आते हैं फॉन्ट ब्लॉक के अंदर। सबसे पहले ये है फॉन्ट, जिसको जो है आप इसके शॉर्टकट की से, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से भी आप यहां पर आ सकते हैं, इसको खोल सकते हैं। तो जैसे ही आप इस यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर जो है बहुत सारे फॉन्ट्स आपको नजर आएंगे। ये सारे के सारे फॉन्ट वो फॉन्ट होते हैं जब आप कंप्यूटर फॉर्मेट करते हैं, रीइंस्टॉल करते हैं, उस वक्त जितने भी फॉन्ट आपके कंप्यूटर में डाले हुए रहेंगे वो सारे के सारे फॉन्ट जो है यहां पर आकर के दिखाई देते हैं। चाहे आपका सॉफ्टवेयर कोई सा भी हो, चाहे कोरल ड्रॉ चला रहे हो, चाहे आप एक्सेल चलाएं या फिर वर्ड चलाएं, चाहे जो भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं, जो भी उसका फॉन्ट का ब्लॉक होता है, फॉन्ट का जो ऑप्शन होता है, वहां पर वो सारे के सारे फॉन्ट आपके दिखाई देते हैं। तो इसी के अंदर आपके सारे फॉन्ट नजर आएंगे। बहुत लोग पूछते हैं कि एक्चुअली जो नए लोग होते हैं नहीं पता होता कि एक्चुअली फॉन्ट क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि फॉन्ट एक्चुअली वो राइटिंग होती है, जैसे कि सबकी अलग 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 पेन राइटिंग होती है। तो जो अलग अलग जो राइटिंग्स होती है, किसी की अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है, किसी की अलग होती है, तो उसी प्रकार से कंप्यूटर में बहुत सारी राइटिंग्स होती है, अलग 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 स्टाइल्स होते हैं। तो वो सारे इसके अंदर फॉन्ट ब्लॉक के अंदर जो है आपको यहां पर
फॉन्ट के अंदर राइटिंग्स मिल जाती है। उसके बाद जो है आप यहां से आएंगे तो नीचे जितने भी फॉन्ट होंगे, जैसे हिंदी वगैरह हमने इंस्टॉल कर रखा है इसके अंदर, वो सारे के सारे फॉन्ट आपको यहां पर मिल जाते हैं देखने के लिए। तो इसमें से अगर हिंदी में आपको टाइप करना है तो हिंदी पर लेकर के जाएंगे, इंग्लिश में टाइप करना है तो आप इंग्लिश में ले सकते हैं। तो यहां से जो भी फॉन्ट एक्चुअली यहां पर थोड़ा सा लिख करके दिखा रहा होता है कि कौन सा फॉन्ट किस टाइप का है, तो वो सारा का सारा यहां पर दिख रहा है। मान लीजिए थोड़ा सा स्टाइल में है, थोड़ा सा डिजाइनिंग में, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है इसी प्रकार से लिखेगा। तो इस तरीके से जो है आप फॉन्ट को वहां से पहले सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद से आप अपने टाइपिंग के काम को कर सकते हैं। अब टाइपिंग कैसे करेंगे उस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है टाइपिंग से रिलेटेड नहीं है, वो फंडामेंटल्स में इसकी चीजें हैं जो बताई जा चुकी हैं। तो यहां पर अपने हिसाब से कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद टाइप करके देखेंगे, अगर साइज सही है तो ठीक है, नहीं तो अगर साइज इसका बड़ा है या छोटा है तो आप जो है पहले ही आप यहां से साइज को निर्धारित कर सकते हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग कि कितने नंबर पर चाहिए। अभी जो है 10.5 पर है, आप यहां से बढ़ा सकते हैं। तो मैं एक बात बताऊं, जो एक नॉर्मल जो लेटर का जो टेक्स्ट साइज होता है वो कम से कम 12 होता है या फिर 14 होता है। 10 पर अगर करते हैं तो बहुत ही ज्यादा टेक्स्ट छोटा हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर ये 12 पर हमने किया, 12 पर जब हम टाइप करेंगे तो इस तरीके से ये जो है टाइप होगा। ये साइज बढ़ा घटा सकते हैं आप पहले से ही। मान लीजिए यहां पर जो है हम कुछ भी टाइप करते हैं, इस तरीके से हमने टाइप किया और उसके बाद का जो ऑप्शन है ये साइज को ही इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए होता है। ये इंक्रीज साइज के लिए होता है और ये डिक्रीज साइज के लिए होता है। इसको यूज करने के लिए आपको पहले ये सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि बताया जा चुका है, सेलेक्ट पर करने से पहले आप कुछ भी वर्ड में नहीं कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए आप अपने बहुत सारे तरीके हमने बताए थे, उनमें से कोई सा भी आप जो है अपना सकते हैं। मान लीजिए ये हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहां पर जब हम क्लिक करेंगे बार बार तो ये इंक्रीज होगा इस तरीके से। तो जितना पर चाहिए आप उतना छोड़ सकते हैं। उसके बगल में जो है ये है डिक्रीज, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वन बाय वन करके नंबर से दो दो पॉइंट यहां पर देखेंगे डाउन होता रहेगा, ये डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपको क्लियर है कि कितना नंबर चाहिए तो आप डायरेक्ट यहां से वो नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से जो है आप यहां पर सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद जो है ये है चेंज केस। चेंज केस का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये है सेंटेंस केस। सेंटेंस कोई भी एक सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो सेंटेंस का फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सारे के सारे वो स्मॉल होते हैं, तो ये उस टाइप का कर देगा। जैसे मान लीजिए हमने इस पर क्लिक किया तो सेंटेंस केस हो गया, साइंटिफिक विजन का फर्स्ट लेटर यानी कि कैपिटल में हो गया और उसके बाद जो है सारे के सारे स्मॉल में हो गए। उसके बाद जो है चाहे जितना भी आप टाइप कर लें बाद में आप सेलेक्ट करके यहां से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है लोअर केस, जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो सारा का सारा लोअर यानी कि सारा का सारा जो है आपका स्मॉल में हो जाएगा। उसके बाद जो है ये सारा का सारा अपर केस है, इस पर कर देंगे तो सारा का सारा जो है आपका कैपिटल में हो जाएगा। उसी प्रकार से सारा कुछ आप ये देख सकते हैं, ये है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर वर्ड का फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा इस तरीके से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं साई और बीच में स्पेस है, तो उसके बाद स्पेस, स्पेस के बाद जो जितने भी वर्ड होंगे उन सबके जो फर्स्ट लेटर हैं वो कैपिटल में हो जाएगा। उसके बाद जो है ये सारे वर्ड के फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल में हो जाएगा, बाकी सारा कैपिटल में होगा इस तरीके से। तो चूंकि इसकी हमें जरूरत पड़ती नहीं है, बहुत ही कम जरूरत पड़ती है, बाकी मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं ये सेंटेंस कैस या फिर यहां पर कैपिटल ईच वर्ड इस तरीके से। तो आपकी जरूरत है, जहां पर जैसी जरूरत होगी वहां पर आप वैसे यूज करेंगे। उसके बाद जो है ये है क्लियर ऑल फॉर्मेट, इसको हम अभी समझेंगे, बाकी फॉर्मेट को समझ लेते हैं तो इसको हम समझेंगे। उसके बाद है ये बोल्ड, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी टेक्स्ट होगा वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, हाईलाइटेड हो जाएगा इस तरीके से। आपने देखा जैसे कि हम करके देखते हैं, पहले हम इसको हटाते हैं तो आप ये ध्यान से देखेंगे, पहले ऐसा दिख रहा है, जैसे हमने बोल्ड पर क्लिक किया तो वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया। उसके बाद है इटैलिक, इटैलिक में थोड़ा सा तिरछापन आता है। बोल्ड के लिए आप शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस बी, यानी सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस बी करेंगे तब भी वो बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक के लिए जो है आप यहां से क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल के साथ आई प्रेस करेंगे तब भी वो इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा सा तिरछापन में टेक्स्ट आएगा, जैसे कि आपने देख लिया ये तिरछापन हो गया है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो इसको हम लोग इटैलिक बोलते हैं। उसके बाद ये है अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, यानी कि टेक्स्ट के नीचे अगर कोई आप हाईलाइट करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो गया। अब ये अंडरलाइन का जो प्रकार है, जो स्टाइल है, वो चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए आप यहां पर एरो पर आएंगे
तो यहां पर देख सकते हैं ये डबल अंडरलाइन है, सिंगल है, थोड़ी सी मोटी है, यहां डॉटेड है, ये अलग अलग बहुत सारी हैं। तो इनमें से जो भी आपको पसंद आता है वो कर सकते हैं। और उसके बाद जो है अगर आप उसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से आने के बाद उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। रेड में रखना है तो इस तरीके से रेड में रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इसका अंडरलाइन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये है स्ट्राइक थ्रू, इसकी भी जरूरत हमें पड़ती है। जैसे मान लीजिए जब हम इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हमने स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक किया तो ये बीच में से एक लाइन आ गई और ये जो है इसको कट कर दिया। हम इसको हटा लेते हैं और उसके बाद जो है यहां पर आप देख सकते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में मतलब कोई भी सेंटेंस का आगे कोई भी लेटर है, अगर आप उसको नीचे करना चाहते हैं या फिर ऊपर करना चाहते हैं तो वहां पर ये यूज होता है। जैसे फादर्स लिखते हैं, मान लीजिए फादर्स में हम नीचे आते हैं विदाउट फॉर्मेट में, इसको हम सिंपल कर लेते हैं। और यहां पर अगर हमें फादर्स नेम लिखना है तो एफ ए टी एच ई आर और आगे जो है इस तरीके से फादर्स लिखते हैं, उसके बाद हम नेम लिखते हैं। लेकिन ये जो एस है ये ऊपर जाना चाहिए, ये वाला, यानी कि सबस्क्रिप्ट, इस तरीके से। तो जहां पर भी कोई भी लेटर है, कोई भी नंबर हमें इस तरीके का ले जाना होता है तो हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। अगर हम इसी को सेलेक्ट रखते हुए अगर हम इसको डिसलेक्ट कर देंगे तो सेंटर में आ जाएगा, और अगर इस पर क्लिक कर देंगे सुपर स्क्रिप्ट पर तो ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से। तो यहां पर मैथ वगैरह में बहुत ज्यादा जगह हमें इस टाइप की जरूरत पड़ती रहती है। जब भी हम कोई मैथ वगैरह का फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे या फिर बहुत जगह आपने देखा होगा डॉट कॉम्स वगैरह लगाने हैं या कई जगह आप देखेंगे इस तरीके की जरूरत पड़ जाती है तो हम इसका यूज करते हैं। और उसके बाद है ये इफेक्ट, यानी कि टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। तो टेक्स्ट को इफेक्ट अगर हमको देना है कोई भी तो यहां से हम इफेक्ट देंगे। मान लीजिए हम इस पर इफेक्ट देना चाहते हैं, इसको हम हटा देते हैं अभी, और इस पर हम कोई अच्छा सा इफेक्ट अगर हम देना चाहते हैं, इन सभी को खत्म करते हैं और इस पर हम कोई इफेक्ट देते हैं। तो यहां पर सबसे पहले कि हम यहां पर से कोई भी हम इफेक्ट ले सकते हैं जो कि यहां पर दिखाई दे रहा है, हम इनमें से भी कोई हम इफेक्ट ले सकते हैं इस तरीके से। हम थोड़ा सा बड़ा अगर कर लेते हैं तो हमें दिखाई देगा प्रॉपर तरीके से इस तरीके से कि क्या इफेक्ट आ रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ये आउटलाइन वगैरह, हम कलर चेंज करना चाहें उसका आउटलाइन का कलर, जैसे कि ब्लू के अंदर आ रहा है तो भी चेंज कर सकते हैं। शैडो हम यहां से अलग कर सकते हैं, कोई अलग टाइप का शैडो चाहिए तो ये एक्चुअली वर्ल्ड में बहुत ही आसान होता है इसको करना, ये सारे स्टाइल्स वगैरह को हमें लेना। इस तरीके का बहुत सारे शैडोज आपको मिल जाएंगे, इनमें से जो भी शैडो आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, वो शैडो इसके अंदर दे सकते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कितना अच्छा, कितना खूबसूरत शैडो लग रहा है। उसी प्रकार से जो है इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पर रिफ्लेक्शंस वगैरह मिल जाएंगे, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, कैसे किस टाइप का रिफ्लेक्शन आपको चाहिए वो सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर ग्लो वगैरह मिल जाएगा, आउटलाइन ग्लो करना चाहते हैं किसी भी तरीके से तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, तरह तरह का इस तरीके का ग्लोइंग टेक्स्ट कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो इस तरीके से यहीं पर जो है आप बहुत सारी स्टाइल्स वगैरह दे सकते हैं। नहीं चाहिए आप इस पर क्लिक कर देंगे वो ग्लो हट जाएगा। फिर जो है दोबारा से हम चलते हैं, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा किस पर क्या अप्लाई होता है। तो इस तरीके से आप इस इफेक्ट को यूज करके किसी भी टेक्स्ट वगैरह को, किसी भी हेडिंग्स वगैरह को बहुत ही खूबसूरत एक शक्ल दे सकते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये रहा आपका स्टाइल। उसके बाद जो है वो है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यानी कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे टेक्स्ट हम लिख दिया, बीच के अंदर कोई भी टेक्स्ट अगर आपका जो है उसको हाईलाइट करना है, कोई भी वर्ड आपका हाईलाइट करना है, वो गलत है, किसी को दिखाना है तो उसको सही ना करते हुए अगर आपको सिर्फ हाईलाइट करना है तो आप यहां से हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट पर क्लिक करेंगे, ये जो है उस टेक्स्ट का बैकग्राउंड हाईलाइट हो गया। जैसे मान लीजिए यहां पर ब्लैंक को हमें हाईलाइट करना है, हमने इतने को सेलेक्ट किया और यहां से हाईलाइट पर क्लिक कर दिया, वो हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें किसी भी वर्ड को हमें हाईलाइट करना होता है, दिखाना होता है स्पेशली, तो हम उसे हाईलाइट कर देते हैं। कंट्रोल प्लस जेड करते हैं, हम वापिस आते हैं। और उसके बाद जो है कलर, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, अगर फॉन्ट का कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर हम इस पर एरो पर क्लिक करेंगे तो यहां पर सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। जो भी कलर्स आप रखना चाहते हैं यहां से जो है आप कलर ले सकते हैं, वो सारे के सारे कलर आपको मिल जाएंगे। अगर जो जिस कलर की आपकी नीड है वो अगर यहां पर नहीं मिलता है तो आप यहां से मोर कलर पर आ जाएंगे तो यहां पर बहुत सारे कलर्स आपको यहां से मिल जाते हैं। और यहां कस्टम में से आप जो है जो भी कलर आप चाहेंगे वो कलर यहां से बना करके इस तरीके से
वो कलर दे सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं जितना डार्क वगैरह करना है करने के बाद ओके करेंगे वो कलर इस पर आ जाएगा। तो ये तो यहां से कलर बनता है। उसके बाद जो है यहां से ग्रेडियंट होता है। मान लीजिए डबल कलर में कोई भी शैडो चाहिए, शैडो टाइप का डबल कलर में अगर आपको कोई भी कलर देना है तो इस तरीके से जो है डबल कलर में, इस तरीके से डबल कलर में आएगा। जैसे कि बीच के अंदर थोड़ा सा डार्क है उसके बाद हल्का सा लाइट कलर आ रहा है, तो इस तरीके से आप इसका कलर दे पाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो ये छूट गया था, जो मैंने बोला था बाद में बताएंगे, ये क्या है, क्लियर ऑल फॉर्मेट। यानी कि इस पर जो भी आपने स्टाइल्स वगैरह, फॉर्मेटिंग्स वगैरह जो भी आपने अप्लाई किया है, अगर सिंगल क्लिक पे वो सब कुछ हटाना चाहते हैं, नहीं चाहिए आपको, तो यहां से क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे, वो सारा हट करके जिस कंडीशन में आप टाइप किए रहेंगे उस कंडीशन में आ जाएगा इस तरीके से। तो ये बहुत ही आसान है, कोई भी स्टाइल्स वगैरह देना वर्ड के अंदर, बहुत ही खूबसूरत कोई भी टेक्स्ट को लिखना, ये सब कुछ करना बहुत ही वर्ड में आसान हो जाता है। इसीलिए वर्ड का जो है आज के डेट में भी बहुत ही ज्यादा प्रचलन है। और चूंकि वर्ड 2016 है तो इसके अंदर और भी ऑप्शंस आ चुके हैं, और भी बहुत ही अच्छे अच्छे कमांड्स आ चुके हैं जो धीरे धीरे आगे चल करके आपको पता लगता रहेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहें। इन सभी वीडियोज को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर करते रहें ताकि सभी के पास वीडियो पहुंचे और सभी को नॉलेज हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।